हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम गार्ड से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। दो बहुत ही ज़रूरी और बड़ी खुशखबरी है, जो भी सैनिक होम गार्ड में तैनात है उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले होम गार्डों के लिए बहुत ही बड़ी लेटेस्ट खबर है कि उनको अब कोर्ट के फैसले के बाद कितना मिलेगा भत्ता और वृद्धि भत्ते में की गई है बढ़ोतरी, अब मिलेगा ज़्यादा फायदा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो आप देख सकते हो ये न्यूज़ 23 जुलाई 2019 की दोस्तों एक खबर है। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, होमगार्ड को मिलेगा 7,000 रुपये वृद्धि भत्ता। दोस्तों देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है राजस्थान से निकल के आई है कि राजस्थान सरकार का होमगार्डों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है कि मानदेय के अलावा अब इनको मिलेगा 7,000 रुपये वृद्धि भत्ता। गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने घोषणा की है कि 3 माह में 2,500 होमगार्डों की भर्ती की जाएंगी और इसके लिए होमगार्ड सेवा नियम भी बनाए जाएंगे। जयपुर होमगार्ड के जवानों को वर्दी भत्ते के रूप में अब हर वर्ष 7,000 रुपये मिलेंगे। इसकी घोषणा सोमवार को गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने की है और अनुदान मांग के जवाब में ये घोषणा की गई है। अब होमगार्ड को रोजगार के लिए अधिकारियों की मनमर्जी नहीं चलेगी, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएंगी। गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने घोषणा की है कि 3 माह में 2,500 होमगार्डों की भर्ती की जाएंगी और इसके लिए होमगार्ड सेवा नियम भी बनाए जाएंगे। होमगार्ड के लिए एक बच्चे को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है, इसे बढ़ाकर अब 2 बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। यानी कि दोस्तों जो भी होमगार्ड में तैनात सैनिक हैं उनके बच्चों को 1 बच्चे को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था वर्तमान समय में चल रही है और अब दोस्तों सरकार की घोषणा के बाद इसे बढ़ा दिया गया है, अब 2 बच्चों को इसकी छात्रवृत्ति दी जाएंगी। होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत होने की स्थिति में उसके परिजनों को सहायता भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और वहीं गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने अपनी घोषणा में कहा है कि होमगार्ड में अटकी हुई पदोन्नति जल्द ही की जाएंगी और उन्होंने कहा है कि निरीक्षण में गलती पाए जाने पर 438 निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस निरस्त भी किए थे और सरकार ने 6 माह में 257 नए लाइसेंस दिए जाएंगे। वहीं आबकारी के विभाग पर भर्ती का मामला भी सदन में उठाए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में मामला उठाते हुए कहा है कि विभाग में 1800 रिक्त पद हैं जिससे अवैध शराब पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। शराबबंदी पर शांति धारीवाल ने कहा है कि शराबबंदी आंध्र प्रदेश हरियाणा गुजरात में हुई है, वहां क्या परिणाम रहा है आपके सामने है। पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की और इशारा करते हुए कहा है कि गुजरात के लिए जो शराब उदयपुर से निकलती है, उन्होंने कहा है कि वक्त 6 माह में 89,000 शराब की बोतलें अवैध शराब की बरामद हुई है। दोस्तों ये दूसरी खबर है। अब दोस्तों जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से दोस्तों एक खबर है। दोस्तों आप देख सकते हो होमगार्ड्स के लिए बहुत ही बड़ी लेटेस्ट खबर है कि गुड न्यूज़, होमगार्ड्स की सैलरी में बड़ा उछाल, 60% बढ़ोतरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की गई है मंजूरी। आप देख सकते हो ये 30 जुलाई 2019 की दोस्तों खबर है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहा है कि होमगार्ड्स की वेतनमान उत्तर प्रदेश सरकार के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होना चाहिए। बता दें कि कोर्ट ने इस फैसले के साथ हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर भी लगा दी गई है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के रहने वाले होमगार्डों के लिए कि उत्तर प्रदेश के करीब 1 लाख होमगार्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खुशी मनाने का बड़ा मौका दिया है। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होमगार्डों को वेतनमान देने की बात कही है और बता दें कि लंबे समय से ये फैसला अटका हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 30 जुलाई को मोहर लगा दी गई है और राज्य में तैनात होमगार्ड्स के लिए उच्च न्यायालय द्वारा ये ऐतिहासिक फैसला भी ले लिया गया है। क्या है फैसला आपको मैं बता देता हूँ कि बता दें कि होमगार्ड्स को हर रोज़ 500 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है, इसके हिसाब से उन्हें हर महीने सैलरी दी जाती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें प्रतिदिन 800 रुपये दिए जाएंगे। और उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह कहा है कि होमगार्ड्स की वेतनमान उत्तर प्रदेश पुलिस के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होनी चाहिए और बता दें कि कोर्ट ने इस फैसले के साथ हाईकोर्ट के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई है। यही नहीं, कोर्ट ने 2016 से एरियर का भुगतान करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और होमगार्ड्स में खुशी की लहर है। दोस्तों देख सकते हो कि कोर्ट का फैसले के बाद होमगार्ड्स को दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होमगार्ड्स को उपहार के रूप में मिला है। इस उपहार का जश्न मनाने के लिए वाराणसी कचहरी टीपी लाइन कार्यालय में दर्जनों होमगार्ड मौजूद थे और मिठाइयां बांटकर खुशियां भी मनाई गई हैं। होमगार्ड्स का कहना था कि वे इस वेतनमान की मांग पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय से कर रहे हैं पर उन्हें कामयाबी अब जाकर मिली है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट राजस्थान व उत्तर प्रदेश के रहने वाले होमगार्ड्सों के लिए कि उनके अब जल्द ही उनको मिलेगा कोर्ट के फैसले के बाद इतना भत्ता और साथ ही वर्दी भत्ते के रूप में इनको 7,000 रुपये सालाना दिया जाएगा।
दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट मिली गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को अपने होमगार्ड्स भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह आगे की और होमगार्ड से जुड़ी ब्रेकिंग लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अंत में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। भगवान करे आपका दिन बहुत ही बहुत शुभ हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।